तो चलो प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल लाइन ऑफ द डाइपोल। ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि इक्वेटोरियल लाइन क्या होता है। तो वो लाइन जो डाइपोल के सेंटर से पास होगी और डाइपोल के जो एक्सियल वाली लाइन है उसके परपेंडिकुलर होगी, उसको हम इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आप बात आपको ये समझ में आ रही है कि अगर डाइपोल है तो किसी भी पॉइंट पे स्पेस में जब मैं जाऊंगा तो हर पॉइंट पे दो वेक्टर मिलेंगे। ठीक है ना, अगर मैं यहाँ आता हूँ तो यहाँ पर भी दो वेक्टर मिलेंगे, एक प्लस क्यू का और जो कि इधर जाएगा, और एक माइनस क्यू का जो इधर आएगा। एक्सियल लाइन पे जाओ, कहीं भी चले जाओ, तो हर पॉइंट पे दो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा। बात समझ में आ रहा? तो अगर हर पॉइंट पे दो वेक्टर एग्जिस्ट करेगा तो अगर मैं उन दोनों का रिजल्टेंट ले लूँगा तो वही नेट फील्ड होगा यार। बात समझ में आ गया? तो उसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन पे मूव करोगे तो वहाँ भी दो फील्ड एग्जिस्ट करेगा, तो उन दोनों फील्ड का रिजल्टेंट ही नेट फील्ड होगा। ये वाली इक्वेटोरियल लाइन है, दिस इज द इक्वेटोरियल लाइन, ये वाली लाइन इक्वेटोरियल लाइन है। ठीक है, तो अगर इस लाइन पे मैं मूव करूँगा तो ऑब्वियसली दो फील्ड एग्जिस्ट करेगा और उन दोनों का रिजल्टेंट ही नेट वेक्टर होगा। तो ये लॉजिक तो पहले भी हम लोग देखे थे। तो चलो, तो पॉइंट पी एक लेता हूँ जो कि इक्वेटोरियल लाइन पे आ रहा है, तो उस पॉइंट पी पर जो प्लस क्यू का जो फील्ड आएगा वो इधर की डायरेक्शन में आएगा, इधर। ठीक है, तो प्लस क्यू का फील्ड इधर आएगा। उसी तरह से तुम देखोगे माइनस क्यू का जो फील्ड है वो किधर आएगा। भाई टेस्ट चार्ज रख के देखो ना, टेस्ट चार्ज। इसमें अलग अलग कलर से मैं डायग्राम बनाया हूँ, जैसे आपको बहुत ज़्यादा फील आया, समझ में आए। तो जो पॉइंट पी है उसमें प्लस क्यू का तो ये आएगा, उसको मैं बोल देता हूँ ई ए वैक्टर। ठीक है, ये वाला वैक्टर ई ए, और जो माइनस क्यू का है वो पर्पल वाला ये वाला है, इसको बोल देता हूँ ई वी, क्योंकि मैं टेस्ट चार्ज रखूँगा यहाँ। क्या रखूँगा? क्यू नॉट। तो अगर मैं क्यू नॉट रखूँगा जो कि बहुत ही स्मॉल चार्ज होता है, तो ये प्लस वाला और प्लस वाला रिपल करेगा, और प्लस वाला और ये माइनस बी पे जो रखा हुआ उसको अट्रैक्ट करेगा, तो कुछ ऐसे नेट फील्ड इसमें दिखाएगा। बात समझ में आ रहा? तो अगर तुम ऐसे देखोगे तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट ही, अब दोनों का रिजल्टेंट लेना, अब भाई वेक्टर है किसी भी तरह से रिजल्टेंट ले लो। तो ये एंगल अगर मैं थीटा ले लेता हूँ, समझना, ये एंगल मैं थीटा ले लेता हूँ तो ये भी तो एंगल थीटा होगा, और ये ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2r है। समझ में आ रहा है? ए और बी के बीच का डिस्टेंस 2r है। तो अगर मैं यहाँ पर देखो बड़े अच्छे से, अगर तुम देखोगे यहाँ पे, तो ये एंगल अगर थीटा है, समझ में आया, तो ये भी तो थीट ये एंगल थीटा है, तो ये भी तो थीटा होगा। समझ में आ रहा है? तो और अगर ये एंगल कुछ थीटा है तो ये भी तो उतना ही होगा। क्लियर है? तो ये दोनों एंगल क्या होंगे? थीटा थीटा होंगे। तो इन दोनों एंगल को मैं डिनोट कर देता हूँ, तो ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा। कुल मिला के ये जो पॉइंट पी है उन दोनों वेक्टर ये 2θ एंगल पे आ गया। तो या तो cos 2, बिना रिजल्टेंट लिए अगर बिना रिजॉल्व किए करना चाहते हो तो cos 2θ का फार्मूला लगा दोगे फिर भी हो जाएगा, नहीं तो रिजॉल्व कर दोगे तो और आसानी से हो जाएगा। बात समझ में आया? क्योंकि यहाँ पर तुम देखोगे ये जो डिस्टेंस है, दिस डिस्टेंस इज बेसिकली आर, ये वाली डिस्टेंस कितनी है आर है, और ये एक्स है, तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ए पी कितनी हो जाएगी, ए पी हो जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, ये अपनी लैंग्वेज में लिखते रहना। और जो बी पी है, ये वाली जो डिस्टेंस है बी पी, ये राइट एंगल ट्रेंगल में आ जाओ यहाँ से, ये यहाँ से ए से सी से पी तक कितना है, एक्स है, और यहाँ से आर है, तो ये डिस्टेंस आने एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट। आई होप कि पाइथागोरस थ्योरम को आता होगा। तो जो चार्ज का डिस्टेंस देख रहे हो, किसी भी पॉइंट चार्ज का डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड जो पॉइंट चार्ज की वजह होता है वो होता है के क्यू ओवर कुछ डिस्टेंस, के क्यू ओवर आर का स्क्वायर, ये डिस्टेंस आप पॉइंट चार्ज का पढ़े होगे। अब यहाँ पर जो आर है इन दोनों का डिस्टेंस वो है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट है, तो यार डिस्टेंस सेम है, तो मैग्नीट्यूड जो ई ए और ई बी का जो मैग्नीट्यूड आ रहा है वो सेम आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैग्नीट्यूड सेम है और उसकी वैल्यू होगी के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट का होल स्क्वायर, कुल मिला के जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई ए बराबर होगा ई वी, बराबर होगे के क्यू ओवर
एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। आई होप कि ये आपको क्लियर हुआ होगा कि जो नेट फील्ड है, ऑब्वियसली अभी नेट फील्ड नहीं आया, एक अलग अलग पॉइंट चार्ज का फील्ड है और ये दोनों आपस में मैग्नीट्यूड में बराबर हैं, डायरेक्शन में बराबर नहीं हैं, ठीक है ना, वेक्टर है ना भाई। तो चलो, तो अब जो पॉइंट पी पर दो वेक्टर आ गए और इन दोनों वेक्टर का मैं रिजल्टेंट ले लूँगा तो मेरा प्रॉब्लम डन हो जाएगा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर प्यारे बच्चों, तो ये जो है ई ए है, तो ई ए और ई बी मैग्नीट्यूड में बराबर है, तो और ये एंगल कितना है, ये टोटल एंगल कितना है, टू थीटा। तो इसका जो कंपोनेंट करूँगा, तो एक कंपोनेंट ये इस वाले वेक्टर का एक कंपोनेंट इधर आएगा जिसका नाम होगा ई बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट नीचे आएगा जिसका नाम होगा ई बी साइन थीटा। बात समझ में आया? और जो ई ए है उसका एक कंपोनेंट इसके पर्पल वाले के नीचे दब गया है, वो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा, और यहाँ कॉस थीटा भी एक अननोन है, और ई ए का एक कंपोनेंट ऊपर जाएगा जो होगा ई ए साइन थीटा। बात समझ में आ रही है? तो ये देखो, और साइन थीटा एंगल बराबर है, मैग्नीट्यूड बराबर है, तो जो वाई एक्सिस मतलब एक्स जो इक्वेटोरियल लाइन के एलोंग जो फील्ड आएगा वो जीरो आएगा, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। बात समझ में आया? तो एलोंग जो है आप देखोगे एलोंग जो है लाइन, इस लाइन के एलोंग, इक्वेटोरियल लाइन के एलोंग अगर देखोगे, इक्वेटोरियल लाइन के एलोंग जो देखोगे तो वो कोई फील्ड नहीं आ रहा, क्योंकि ई ए साइन थीटा बराबर है ई वी साइन थीटा के, तो नेट फील्ड एलोंग इक्वेटोरियल लाइन वो तो आ जाएगा जीरो यार, ठीक है। तो ये जो नेट फील्ड है वो ये दोनों अगर तुम देखोगे, तो नेट फील्ड अगर देखोगे इक्वेटोरियल लाइन के एलोंग, परपेंडिकुलर नहीं, नेट फील्ड जो आ रहा हो तो परपेंडिकुलर आ रहा है यार। तो यहाँ तुम देखोगे तो ई ए माइनस साइन थीटा और माइनस ई वी साइन थीटा एक दूसरे को काट दिए तो कुल मिला के जीरो फील्ड आया, मतलब लाइन के एलोंग मूव करोगे। हाँ, समझना इस बात को, थोड़ा सा मैं इसको आपको अच्छे से, देखो यार हमारा काम है क्वालिटी कंटेंट देना, चाहे कोई देखे या नहीं देखे, क्योंकि क्वालिटी कंटेंट की कमी है। इस लाइन पे जब मैं ऐसे मूव करूँगा तो इस डायरेक्शन में कोई फील्ड एग्जिस्ट नहीं करेगा। बात समझ में आ रहा? इस डायरेक्शन में तो कोई, यहाँ से ऊपर ऐसे जाओगे, इस डायरेक्शन में कोई फील्ड नहीं आएगा, जो भी फील्ड आएगा वो इस डायरेक्शन में आ रहा है, इस डायरेक्शन में आ रहा है फील्ड, समझ में आ रहा, इस वाली डायरेक्शन में। तो अगर जो फील्ड इस वाली डायरेक्शन में आ रहा है उसी फील्ड को मुझे कैलकुलेट अप करना है। तो जो इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर फील्ड आया, इन दोनों वेक्टर को ऐड कर लूँ मैं, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा, तो मेरा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। और इसको मैं पॉइंट पी को दोबारा यहाँ दिखाया हूँ कि ये दोनों वेक्टर ऐसे दिखेंगे, फाइनली जब ये दोनों जुड़ जाएंगे ई ए कॉस थीटा ई बी, तो ये वेक्टर इतना बड़ा लार्ज हो जाएगा, वो ऐसा दिखेगा ये वाला, ठीक है। तो ये मैं बिल्कुल खोल खोल के अच्छे से समझा रहा हूँ जिसे हर बच्चे को समझ में आए। तो नेट फील्ड वहाँ पर जो बनेगा, नेट फील्ड वो होगा नेट फील्ड ई एट इक्वेटोरियल लाइन, वो आ जाएगा ई ए कॉस थीटा और प्लस ई बी कॉस थीटा, ठीक है। अब देखो ई ए और ई बी मैग्नीट्यूड में बराबर है, हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं, तो ये आ जाएगा ई ए टू टाइम्स ई ए कॉस थीटा। अब इस ट्रायंगल में आ जाओ तो ई ए कॉस थीटा एक अननोन है, मतलब कॉस थीटा एक अननोन है। देखो ये एंगल थीटा था, ये आर था, ये एक्स था, तो ये कितना था, एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट था, ठीक है, ये पॉइंट पी था। तो यहाँ से कॉस थीटा की जो वैल्यू निकालोगे वो आ जाएगा कॉस थीटा इक्वल टू बी बाई एच आर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर अंडर रूट, और ई ए का मैग्नीट्यूड पहले ही निकाल चुके हैं, ऊपर देखो के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, बड़े आराम से इन दोनों के यहाँ मैं रख देता हूँ, तो टू टाइम्स ई ए की वैल्यू के क्यू ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और कॉस थीटा इज इक्वल टू आर ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर वन बाई टू। तो कुल मिला के अच्छा सा फार्मूला बना, टू के क्यू आर ओवर यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर थ्री बाई टू जोड़ लिए, तो ये आया नेट फील्ड। समझ में आया? ये जो नेट फील्ड है वो जीरो नहीं है यार, ये इक्वेटोरियल लाइन के परपेंडिकुलर फील्ड है। समझ में आ रहा?
तो अगर तुम इसको देखोगे, ये वाली फील्ड, तो इसकी डायरेक्शन वगैरह अभी देखेंगे। सबसे पहले ये बच्चे क्या करते हैं, सॉ डाइपोल के एडिक्टेड हो जाते हैं। तो अगर हमारा डाइपोल, इफ कंडीशन लगा दो यहाँ, इफ डाइपोल इज शॉर्ट, डाइपोल इज शॉर्ट मतलब स्मॉल डाइपोल हो, मतलब पॉइंट भी बहुत ज्यादा दूर हो, आर इज वेरी वेरी ग्रेटर, एक्स एक्स जो यहाँ एक्स वेरी वेरी ग्रेटर देन आर, समझे, मतलब मैं बहुत दूर से देखूं इस डाइप, ये जो डाइपोल आ रहा था, एक ये वाला डाइपोल, इसको मैं बहुत ज़्यादा दूर से देखूं तो मुझे डाइपोल कैसा दिखाई देगा यार। कॉमन सेंस से थोड़ा रुक के सोचो कि अगर मैं इस डाइपोल को बहुत दूर से देखता हूँ, यहाँ से बहुत दूर से आंखें फाड़ के देखता हूँ यहाँ से, तो ये डाइपोल मुझे बहुत छोटा नज़र आएगा। बात समझ में आए? और उस वक्त मैं अजम्पशन ले रहा हूँ कि अगर जब छोटा डाइपोल होगा तभी ये फार्मूला लगाओगे प्यारे बच्चों, अदरवाइज ये गलत हो जाएगा। ठीक है, डाइपोल बहुत छोटा होगा तो आर अप्रोच होगा 0 के, और उस वक्त जो फील्ड आएगा उसकी वैल्यू आएगी 2, इसको डाइपोल मोमेंट के टर्म में एक बार लिख लो, डाइपोल मोमेंट पी जो होता है वो क्यू मल्टीप्लाइड बाई 2 आर के बराबर होता है। तो ये जो नेट फील्ड है डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा के पी, यहाँ से 2 और 8 को एक साथ ले लिए तो यहाँ के पी, और ये बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। तो ये यहाँ से तुम देखोगे, ये जो है वो डाइपोल मोमेंट के टर्म में है, तो ये जब यहाँ से तुम देखोगे, हाँ इसको ये वाली चीज़, तो अगर ये तुम देखोगे तो यहाँ से 2 के क्यू आर ओवर यहाँ से आर की वैल्यू 0 हो गई, तो यहाँ से तुम देखोगे एक्स की पावर 3 बची, क्योंकि जब आर ये 0 अप्रोच हो गया तो 2 ने 2 को काट दिया ये, और डाइपोल मोमेंट के टर्म में लिखोगे तो ये आ जाएगा के पी ओवर एक्स की पावर क्यू। तो ये फार्मूला कब यूज करोगे भाई? ये फार्मूला तब यूज करोगे जब डाइपोल छोटा होगा, और बच्चे इसी को रट लेते हैं, याद कर लेते हैं, और बार बार मेरे से गलती आके पूछते हैं, सर सवाल सब कुछ सही है फिर भी क्यों नहीं निकल रहा। जब क्वेश्चन में बताएगा स्मार्ट डाइपोल तभी तो इसको लगाओगे भाई, अदरवाइज ये वाला जिंदाबाद। तो ये वाली चीज़ हमने डेरिवेशन कर लिया, आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा, और भी मज़ा आएगा जब आपको पूरा कंटेंट कोई पढ़ाएगा। आधा अधूरा लोग पढ़ा के क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। तो अब इस नेट फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं डाइपोल मोमेंट के साथ कैसे आता है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से तुम देखोगे डाइपोल मोमेंट जो है एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव होती है। तो ये अपना निगेटिव वाला चार्ज है, ये अपना पॉजिटिव वाला चार्ज है, तो डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन किधर है? निगेटिव से पॉजिटिव इधर की डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रहा? तो डाइपोल मोमेंट अगर निगेटिव से पॉजिटिव है तो इस पॉइंट पे मैं ऊपर जाऊंगा, ऊपर जाऊंगा तो जो नेट फील्ड है वो कम होता चला जाएगा, इन सभी एरो से दिखाया गया है। उसी तरह से इक्वेटोरियल लाइन के नीचे आओगे तभी भी नेट फील्ड डिक्रीज होगा, तो ये सारे एरो यही दिखा रहे हैं। और नेट फील्ड इसकी जो डायरेक्शन है वो अभी क्या आया था बोलो, के पी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 आया था, और स्मॉल डाइपोलो, तो स्मॉल डाइपोलो तो स्मॉल के लिए आया था, क्या आया था भाई, के पी ओवर एक्स की पावर क्यू। तो ये वाली जो फील्ड है वो डाइपोल मोमेंट के साथ कैसे है? तो जो ये वाली फील्ड देख रहे हो, डाइपोल मोमेंट रेड, ये वाली जो रेड है वो डाइपोल मोमेंट है, और ये नेट फील्ड है यहाँ पे। बात समझ में आ रहा? तो डाइपोल मोमेंट और नेट फील्ड के बीच एंगल कितना? θ 180 डिग्री। ठीक है, तो ये ऑल्सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट, यू मस्ट रिमेम्बर इट, इसको आपको सबको याद कर लेना है प्यारे बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो आप इस साइड नीचे भी जाओगे तभी भी डाइपोल मोमेंट अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, और नेट फील्ड भी अपनी डायरेक्शन नहीं चेंज करेगा, तो थीटा अभी भी कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, ये है अपना पी वेक्टर और ये है अपना यहाँ इलेक्ट्रिक वेक्टर। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर, तो इन दोनों के बीच एंगल 180 डिग्री रहता है, दैट इज एंटी पैरेलल, एंटी पैरेलल। तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे, एट इक्वेटोरियल लाइन, एट इक्वेटोरियल लाइन डाइपोल मोमेंट, डाइपोल मोमेंट एंड नेट फील्ड, नेट फील्ड या फील्ड बोलो, नेट फील्ड इज आर एंटी पैरेलल, आर एंटी एंटी पैरेलल, जबकि एक्सियल वाले में क्या था, पैरेलल था। थीटा कितना आएगा, 180 डिग्री। यू मस्ट रिमेम्बर दिस रिजल्ट,
बिकॉज ये जो रिजल्ट है बहुत सारे क्वेश्चन में यूज होगा, आप अच्छे क्वेश्चन करोगे। चलो अब ग्राफ देख लेते हैं हम लोग, आई होप कि क्लियर हो गया। अगर मैं इस जो ये वाली जो लाइन है, जिस लाइन पे मैं मूव कर रहा हूँ, ये वाली लाइन, ये इक्वेटोरियल वाली लाइन पे अगर मैं ऊपर जाता हूँ यहाँ से, या नीचे जाता हूँ यहाँ से सेंटर से, तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे वेरी करेगी, उस चीज़ का मैं देखना चाहता हूँ। अगर ध्यान से देखना, मैं ऊपर जाऊँगा तो ये डिस्टेंस आर लिया हूँ, और जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन इधर है, लेकिन उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड है, तो उसको मैं इस एक्सिस पे ऐसे प्लॉट किया हूँ। तो अब देखो, तुम अगर ये ऊपर जाते हो तो जो फील्ड तुम्हें आएगा वो कुछ ऐसे आएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू ए के पी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2 है। तो ये वाली चीज़ ऑब्वियसली, जब आर की वैल्यू यहाँ से ऊपर जाओगे, आर की वैल्यू इंक्रीज होगी, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिक्रीज होगी। आर की वैल्यू जब इन्फिनिटी टेंड करेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो टेंड करेगा। यार बात समझ में आ रहा? तो ये जो प्लॉट है वो कुछ ऐसा, और ऊपर जा रहे हो तो जब ऊपर जा रहे हो तो इस साइड तो आर क्या है, पॉजिटिव है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन राइट साइड है वो भी क्या है, पॉजिटिव है। तो ये जो ग्राफ है वो फर्स्ट कोऑर्डिनेट में आ जाएगा, इस वाले कोऑर्डिनेट में। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है, ऐसे अच्छा वाला ग्राफ आता, उतना अच्छा नहीं बना, पर इट इज़ द रफली ग्राफ, आप समझ रहा ना, ऐसे कुछ आता है। तो ये जो ग्राफ है ऐसे कुछ आएगा, इस टाइप से कुछ ऐसे आएगा, ठीक है, बात समझ में आ गया। और अगर आप नीचे जाते हो, देखो नीचे जाते हो यहाँ पे, तो आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू निगेटिव है। तो अगर आर निगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो अपनी डायरेक्शन इधर बदला नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी भी राइट साइड है, पॉजिटिव है। तो ग्राफ सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा और वो ग्राफ कुछ ऐसे आएगा। तो ये ग्राफ कुछ ऐसे आता है, इस टाइप से कुछ ऐसे आता है, इट इज़ द रफली आइडिया। और ये जाके जब आर टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो ई टेंड करेगा जीरो को। तो यहाँ पर भी देखो, ये इसको कहाँ टच करेगा, जब आर टेंड करेगा इन्फिनिटी को तो ई टेंड करेगा जीरो को, ठीक है, और यहाँ पर इसकी मैक्सिमम वैल्यू थी सेंटर पे, ठीक है। तो आई होप कि आपको ग्राफ भी समझ में आ गया। एक और लास्ट पॉइंट है इसमें, ठीक है, कि जनरली ये भी पूछा जाता है कि अगर सेम डिस्टेंस पे एक्सियल और इक्वेटोरियल फील्ड में रिलेशन क्या है फॉर ए शॉर्ट डाइपोल। अगर मेरा डाइपोल छोटा है, डाइपोल है शॉर्ट डाइपोल है, समझना, शॉर्ट डाइपोल है, तो शॉर्ट डाइपोल के लिए ये वाली जो इक्वेटोरियल वाली लाइन है और ये वाली जो लाइन एक्सियल वाली लाइन है, इन दोनों पे तुम देखोगे तो फील्ड में क्या रिलेशन है। तो अब देखोगे शॉर्ट डाइपोल के लिए जो इक्वेटोरियल वाली फील्ड आई थी वो कितनी थी शॉर्ट डाइपोल के लिए, के पी ओवर एक्स की पावर क्यू, और जो एक्सियल वाली फील्ड आई थी, एक्सियल, वो आई थी 2 टाइम्स के पी ओवर एक्स की पावर क्यू। तो अगर मैं 2 इधर साइड में कोपचे में रखूँ तो यह आ जाएगा के पी ओवर एक्स की पावर क्यू, और के पी ओवर एक्स की पावर क्यू कुछ नहीं है, ये इक्वेटोरियल का फील्ड है। तो ये आ जाएगा एक्सियल वाली, तो एक्सियल की जो फील्ड है वो 2 टाइम्स होगी इक्वेटोरियल को। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पर, तुम देखोगे प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं पॉइंट पी ले लिया हूँ, तो पॉइंट पी से एक्स डिस्टेंस पर जो फील्ड है अगर 20 है, तो उसी पॉइंट पी पे इक्वेटोरियल लाइन पे फील्ड 10 होगा। ये बस एक रफली आइडिया है समझाने के लिए, बात समझ में आ रहा? और इसी इसी तरह से सिमिलरली आप डायरेक्शन के साथ इसमें दिखाया गया है, और इसी तरह से आप इस साइड आओगे तो यहाँ पर पॉइंट पी पे 20 न्यूटन है, इसकी डायरेक्शन डाइपोल से पैरेलल है, और इस यहाँ पर तुम देखोगे उसी तरह से नीचे आओगे तो डाइपोल से एंटी पैरेलल पे 10 न्यूटन एग्जिस्ट करेगा। तो आई होप कि आपको बहुत मज़ा आया होगा। डायरेक्शन का नेट डाइपोल पूरी मैं एनालिसिस किया हूँ, ऐसा ये पहला कंटेंट है यूट्यूब पे, आई होप कि, तो आप इसको पूरा सपोर्ट करो और मेरे चैनल के साथ बने रहो। अच्छे से मैं जो बातें बोलता हूँ उसको आप नोट करके लिखा करो, ठीक है, और जो डायग्राम है, रफ है, और अगर इतना सारा एग्ज़ाम में बना दोगे ऐसे लिख दोगे तो एग्ज़ामिनर यार सोचेगा हाँ किसी ने पढ़ाया है यार दिल से। तो थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखो।